नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह का खेल बिगाड़ दिया है। मोदी की राजनीति जो है उस पर प्रेशराइज वाली जो चीजें हैं वो देखने सुनने को मिल रही है। ममता बनर्जी के एक फोन कॉल से इन तमाम धुरंधर नेताओं के गेम जो है वो पलट सकते हैं, इनका खेल बिगड़ सकता है। ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल वाली राजनीति अब पूरे देश में करनी शुरू कर दी है। बंगाल से किस तरीके से भाजपा का खदेड़ा हुआ है आप सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ दिया गया है, ऐसा बंगाल के लोगों के जरिए कहा जाता है। मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है ये, बंगाल के लोग कहते हैं कि खदेड़ा गया है यहाँ से भाजपाइयों को। अब वही राजनीति ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के जरिए चलती हुई नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट समर्थन तो ममता बनर्जी का था ही, लेकिन अब ममता बनर्जी ने लोकसभा संसद के अंदर जबरदस्त तरीके का जो पॉलिटिक्स है वो खेलना शुरू कर दिया है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से ममता बनर्जी जो है अब बैटिंग करना शुरू कर चुकी है। ममता बनर्जी ने दोस्तों राजनाथ सिंह को फोन मिला दिया है और फोन मिलाकर राजनाथ सिंह के सामने एक बहुत बड़ा डिमांड कर दिया है। वैसे तो ये डिमांड इंडिया ब्लॉक के सांसदों के जरिए, राहुल गांधी के जरिए भी किया जा रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने सीधा नाम लेकर जो है मोदी और शाह की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह को फोन कॉल किया और फोन कॉल करते हुए राजनाथ सिंह को ममता बनर्जी ने कहा कि आप जो है स्पीकर बना चुके हैं, लोकसभा स्पीकर जो है वो ओम बिरला है जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की को लेकर जो विपक्षी दलों की जरिए मांग की जा रही है उस पर नाम फाइनलाइज कर दिया गया है। और ये नाम पता है दोस्तों किसका है? ये नाम है अवधेश पासी का, जो अयोध्या के सांसद हैं, अयोध्या से उनको लोगों ने चुना है। उनके नाम पर ममता बनर्जी ने मोहर लगाते हुए कहा है कि आप जो है डिप्टी स्पीकर हमारे तरफ से जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से अवधेश पासी को बनाइए। सोचिए, वैसे ही अखिलेश यादव एक ट्रॉफी की तरह अवधेश पासी को लेकर अपने साथ घूमते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिर्च लगाते हैं। अवधेश पासी जब से अयोध्या से जीते हैं तब से नफरती चिंटुओं की जली पड़ी है। नफरती चिंटू जबरदस्त तरीके से अयोध्या के लोगों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ अनशंट बोलते हुए नजर आ रहे हैं, नफरत भरे जो बयानबाजी है वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह को फोन करते हुए कहा कि चलिए आपने अपनी तरफ का जो स्पीकर है वो बना लिया है, आपकी सहमति जो है वो बन गई है, लेकिन अब जो है आप इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बारे में भी सुनिए, इंडिया ब्लॉक के लोगों के बारे में भी सुनिए कि किस तरीके से जो है इंडिया ब्लॉक के नेता क्या चाहते हैं। पहले तो अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा था लेकिन कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अवधेश पासी को लेकर ऐलान करते हुए ये नाम राजनाथ सिंह के सामने रख दिया है। आप सभी को पता है कि अवधेश पासी एक दलित नेता है और बीजेपी खुद को कहती है कि वो दलित हितैषी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों से कितना प्रेम करती है, कितना सम्मान करती है और कितना उनके बारे में सोचती है, क्योंकि जो उनके सामने नाम रखा गया है वो भी एक दलित नेता है। अब देखिए, जी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि डिप्टी स्पीकर के लिए सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दाव, अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जो है वो राजनाथ सिंह को ममता बनर्जी की तरफ से दे दिया गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने है कि कैसे ममता बनर्जी ने ज़बरदस्त तरीके का खेल जो है वो खेलना शुरू कर दिया है। अब वो इंडिया ब्लॉक के जरिए अपनी तमाम चीज़ों को रखती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे भी वो एक ऐसी लेडी के तौर पर जानी जाती हैं जो राजनीति अपने दम पर करना जानती हैं। बंगाल में जिस तरीके का राजनीति उनका चल रहा है आप सभी के सामने है। हालांकि बंगाल में स्थिति हर दिन कोई ना कोई ऐसी देखने सुनने को मिलती है जहाँ से रूह कपा देने वाली वीडियो सामने आई। अभी कल ही की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, हालांकि उस पर अब ममता बनर्जी की तरफ से एक्शन ले लिया गया। कैसे एक लड़का और एक लड़की को बीच सड़क पर पीटा जा रहा था, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए थे।
लेकिन अब ममता बनर्जी ने की पुलिस बंगाल पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया है। लेकिन आज आपको बता दें कि संसद का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन संसद के कार्य को स्थगित कर दिया गया था संडे तक, और आज सोमवार है तो सोमवार को संसद का कार्यकाल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि संसद सत्र का छठा दिन है, नीट पर हंगामे के आसार देखने सुनने को मिल सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने इस पर बहस के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तो देखिए, खबर आ रही है कि संसद सत्र का जो छठा दिन है, आज छठा दिन है, दोनों ही सदनों में नीट यूजीसी परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर फिर से आवाज़ उठाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि हंगामे के आसार देखने सुनने को मिल सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ से मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जबरदस्त तरीके की नोकझोंक हुई है। कैसे उनको जो है साफ तौर पर कहा कि ये रिकॉर्डेड ही नहीं जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से आज इस मुद्दे पर हंगामे के आसार जो है वो दिखाई और सुनाई दे सकते हैं। वही नहीं दोस्तों, नीट के अलावा अग्निपथ योजना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश विपक्ष के जरिए किया जाएगा। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आरक्षण की सीमा 50 से ज्यादा करने के लिए संसद से कानून बनाने की मांग कर डाली है। लोकसभा में आज भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं भाजपा के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी और पहली बार की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज का भी प्रस्ताव अनुमोद किया जाएगा। तो इस तरीके का जो काम है आज शुरू होगा। लेकिन इस शुरुआत से पहले बताया जा रहा है कि हंगामे का आसार जबरदस्त तरीके से देखने सुनने को जो है वो मिल सकता है। तो आज पूरे दिन क्या चर्चा होगी दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।